नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आज बात करेंगे कि आखिर मौत क्यों हो रही है, कोरोना वायरस से आखिर मौत क्यों हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है या इसके पीछे कोई और राज है, ये जानना बेहद जरूरी है। आप सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक इसी बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर बड़ी संख्या में बिहार में या फिर बिहार से बाहर। अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार में आंकड़ा जो है लगातार प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। कोरोना पीड़ित भी आ रहे हैं, पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ रही है और मौत की भी संख्या बढ़ रही है। वैसे में यह सोचने का विषय नहीं है कि क्या वाकई में यह कोरोना से इतने बड़े पैमाने पर मौत हो रही है या मुद्दा कुछ और है या इसके पीछे का राज और है। आज हम इस अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर आपको बताएंगे कि यह मौत का कारण कौन है और मौत का राज क्या है। क्यों हो रही है मौत, जरा सोचिए। सरकार कहती है हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट में है, विकास के मामले में बिहार सबसे आगे है। ये भी बात सरकार कहती है कि हम विकास के मामले में बहुत आगे हैं, हर क्षेत्र में हमारा विकास हो रहा है, अच्छी बात है। सरकार ये भी कहती है कि स्वास्थ्य के स्तर पे भी हमने बेहतर काम किया है, बड़े बड़े अस्पताल बना दिए, बिल्डिंगें बन गई, हर सेक्टर में बेहतर काम हुआ है। अगर सब कुछ ठीक हुआ है, ये बेहतर कार्य हुए हैं, तो फिर कोरोना जैसी बीमारी के आ जाने के बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा कैसे गई। आज की तारीख में लोग यही कह रहे हैं कि कोरोना आने की वजह से यह मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, लेकिन हकीकत यह है नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाया जा रहा है। इसके पीछे की कहानी और है, कोरोना से इतनी मौतें नहीं हो रही हैं, मौत का कारण कुछ और है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, शायद रिपोर्ट देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और भी जो अब तक आप सोच रहे थे कि कोरोना की वजह से ही मौत हो रही है, उसके बाद आप सोचना बंद कर देंगे और फिर आप सोचेंगे कि वाकई में मौत का कारण तो कुछ और है। देखिए रिपोर्ट। बिहार भी अन्य प्रदेश की तरह आजकल कोरोना की चपेट में है, प्रतिदिन मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के दावे और वादे सब खोखले साबित हो रहे हैं। सच कहें तो सरकार और सिस्टम कोरोना पॉजिटिव की वजह से खुद नेगेटिव हो गई है। ऐसे में एक सवाल जहन में आ रहा है कि क्या वाकई में कोरोना वायरस ही मौत का कारण है या कुछ और। अब हम आपको बताते हैं मौत का कारण। तकरीबन 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक भी आज की तारीख में कंप्लीट चालू हालत में नहीं है। वहीं रेफरल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 466 है, मगर कार्यरत सिर्फ 67 है। ऐसा ही हाल अनुमंडल अस्पतालों और सदर अथवा जिला अस्पतालों का भी है। साथ ही राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में से भी केवल 10 ही फंक्शनल हैं। बिहार में 14 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट मिलाकर 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स 19 और सदर हॉस्पिटल बिहार में 36 है, सब डिविजनल हॉस्पिटल बिहार में 55 है, रेफरल हॉस्पिटल 70, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 270, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 533, एपीएससी एडिशनल पब्लिक हेल्थ सेंटर 1350 और आयुर्वेदिक कॉलेज 5 है। इसे मिलाकर के ये स्थिति हुई।
अब जरा ये भी जान लीजिए कि राज्य में चिकित्सा पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पद 10,609 हैं, जिसमें से 6,437 पद रिक्त हैं, यानी मात्र 4,172 राज्य में चिकित्सा पदाधिकारी हैं, यानी 61% जगह खाली हैं। यहाँ स्टाफ नर्स ग्रेड के कुल स्वीकृत पद 14,198 हैं, लेकिन कार्यरत बल महज 5,068 है। एनएनएम नर्स के भी 10,000 से अधिक पोस्ट खाली हैं। आज की तारीख में 28,391 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक प्रति 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। इंडियन मेडिकल काउंसिल भी कहता है कि 1,681 लोगों के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता है। ऐसे में जब डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, लैब टेक्नीशियन नहीं, सफाई कर्मी नहीं, दवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, तो फिर मौत नहीं होगी तो क्या जिंदगी मुस्कुराएगी? उम्मीद है आपको अब मौत का कारण समझ में आ गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत, पटना। अब आप क्या कहेंगे कि वाकई में ये मौत कोरोना से हो रही है या सरकार की लापरवाही से हो रही है या सिस्टम के फेल हो जाने से हो रही है? इस पूरे रिपोर्ट देखने के बाद ये तो यही कह आप कह सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की, अस्पताल बनाए नहीं, डॉक्टर बहाल किया नहीं, लैब टेक्नीशियन बनाया नहीं, यहां पे रखे नहीं, तो हालात तो ऐसे बिगड़ेंगे नहीं। तो क्या कोरोना मार रही है क्या? सच्चाई ये नहीं है, कोरोना से मौत नहीं हो रही है, मौत दरअसल हो रही है सरकार और सिस्टम के फेल हो जाने से। और यही वजह है कि ये तस्वीर उभर कर आज आ रही है और हम सब बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। और सरकार, अभी तो मुख्यमंत्री घूम भी रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही निकले हैं, लेकिन किसी अस्पताल में रुके नहीं है जनाब, बस पटना की सड़कों पर राउंड लगा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये राउंड लगा देने से सरकार या यथाशीघ्र डॉक्टर आ जाएंगे क्या? बिहार में कोरोना वायरस की चपेट में आकर डॉक्टरों की मौत का प्रतिशत 4.42 है। डॉक्टरों की मौत का राष्ट्रीय औसत 0.5% है। इसके अलावा डॉक्टरों में संक्रमण के लिए सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि पीपीई किट अच्छी क्वालिटी का उन्हें नहीं दिया जा रहा है। जो गुणवत्तापूर्ण जो उपकरण है वो डॉक्टर को मुहैया सरकार नहीं करा पा रही है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा कोरोना से डॉक्टर की मौत बिहार में हो रही है। बिहार में पंजीकृत डॉक्टरों की कुल संख्या 20,000 के करीब है, लेकिन उसके बाद भी हालात क्या है आपसे छुपी हुई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खाली पड़े पदों में प्राइवेट डॉक्टरों में से किसी को काउंसलिंग करके आप रख सकते हैं, तकरीबन 7,000 पोस्ट अभी खाली हैं। तो आप जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनकी काउंसलिंग करें और यथाशीघ्र उन्हें अस्पताल में रखें ताकि ये समस्या झेलनी ना पड़े। आगे देखिए, बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2,078 पद स्वीकृत हैं, लेकिन हैं क्या इतने स्वीकृत पद पे डॉक्टर? नहीं है। जरा ये भी रिपोर्ट देखिए, ये आंकड़ा देखिए और उसके बाद आप कहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। 1786 ही कार्यरत हैं, शेष 292 पद खाली हैं। अब बताइए कैसे व्यवस्था सुधरेगी? सोचने का विषय तो है, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को गलत तरीके से पेश कर रही है, आंकड़ा आपको बता नहीं रही है। सीएचसी में कुल 600 विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए, लेकिन 600 विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। तो बताइए, मौत नहीं हो तो फिर क्या हो? जरा देखिए अगला आंकड़ा देखिए, उसके बाद आप कल्पना कीजिए क्या स्थिति है, जिसमें से केवल 82 डॉक्टर ही मौजूद है, जब कहां 600 और कहां 82। कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था मुकम्मल हो, कैसे लोगों को इलाज मिले? 518 विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है बिहार में। अब ऐसे विशेषज्ञ जो बाल रोग विशेषज्ञ हो गए, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गए, या इस तरह के जो डॉक्टर हैं जो विशेषज्ञ की श्रेणी में आती हैं, वो 518 डॉक्टरों की कमी बिहार झेल रहा है। पीएचसी और सीएचसी में 1738 नर्सिंग स्टाफ की कमी है, जो अक्सर अभी कहा जा रहा है ना, नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, तो 1738 जो यहां पर नर्सिंग स्टाफ है उनकी कमी है साहब। आगे देखिए यह आंकड़ा, और इस आंकड़ा देखने के बाद बिहार में आबादी के अनुपात में 65,000 डॉक्टरों की जरूरत है, अभी होना चाहिए कम से कम 65,000, लेकिन डॉक्टर हैं कितने? क्या 65,000 हैं? अगर 65,000 डॉक्टर होते तो यह तस्वीर अभी नहीं होती और कोरोना से इतने बड़े पैमाने पर मौत नहीं होती। 6,500 सरकारी डॉक्टरों के जिम्मे है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। 65,000 डॉक्टर चाहिए साहब, और 6,500 डॉक्टर हमारी और आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था को
देख रहे हैं, हमारे हेल्थ को देख रहे हैं, कैसे होगा कंट्रोल साहब? और आप बदनाम कर रहे हैं कि कोरोना मार रहा है। कोरोना नहीं मार रहा है साहब, कोरोना संकट से बिहार कैसे निपट रहा है ये आंकड़ा देखकर आप कल्पना कीजिए। जहां 65,000 डॉक्टर चाहिए वहां 6500 डॉक्टर हैं, और फिर आप बदनाम कर रहे हैं कि कोरोना मार दे रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में 1,00,000 से अधिक डॉक्टर होने चाहिए थे। जी, ये आंकड़ा मैं 2011 का आपको दिखा रहा हूं, उसके आधार पर कम से कम 1,00,000 डॉक्टर होने चाहिए थे। 2011 के आसपास जो आबादी थी हमारी, तकरीबन 11,00,000 के आसपास आबादी थी, तो उस वक्त के आंकड़ा पर कम से कम 1,00,000 डॉक्टर होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। यहां तो 6500 डॉक्टर हैं साहब, कैसे इलाज होगा? यह स्थिति है बिहार के सरकारी अस्पताल की। अगला आंकड़ा देखिए, स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की जरूरत लगभग दुगनी से ज्यादा है। जो वर्तमान में हमारे पास अभी स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो अस्पताल हैं, इसके डबल होने चाहिए हमारे यहां अस्पताल, और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था तब जाके सुदृढ़ होगी, तब जाके बेहतर होगी। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ 60% से भी अधिक की कमी है। अब जरा देखिए, 60% से भी ज्यादा यहां पर मेडिकल स्टाफ की कमी है। आप बात करते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरे बिहार को चपेट में ले लिया है, कोरोना वायरस ने कोई चपेट में नहीं लिया है बिहार को, दरअसल यह सिस्टम और यह व्यवस्था चपेट में ले रखा है। 60% से भी कम यहां पे स्वास्थ्य कर्मी हैं, लोग मरेंगे नहीं तो आखिर क्या होंगे? आप बदनाम कर रहे हैं कि कोरोना मार दिया, कोरोना का आफत है, कोरोना का वायरस है, यह नहीं है साहब। कोरोना ठीक है, अपनी जगह अपनी बीमारी है, लेकिन यहां पर जो मौतें हो रही हैं कोरोना की वजह से मौत नहीं हो रही। बिहार में नीतीश सरकार की गलतियां बन गई है गले की फांस, और यही वजह है कि आज इतनी बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। राज्य के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल एनएमसीएच भी हाल बेहाल है, 24 घंटे देखिए एनेस्थेसिया विभाग में कोई भी एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है। अब कोरोना हॉस्पिटल घोषित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और डॉक्टर ही नहीं है। एनएमसीएच में सृजित पद है 25 एनेस्थेसिया डॉक्टर के, लेकिन एक भी नहीं है और पद है 25। अब बताइए, जो कोविड हॉस्पिटल घोषित है वहां का हाल यह है। पीएमसीएच में 40% डॉक्टरों की कमी है, 60% डॉक्टरों से यह पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल चल रहा है। डीएमसीएच में 50% डॉक्टरों की कमी है साहब। अब बताइए, बिहार सरकार जो दावा और कर रही है, स्वास्थ्य विभाग जो कह रहा है कि हम सब ठीक कर, कैसे ठीक कर लेंगे? बिहार में कोरोना से सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो रही है इसी बिहार में, जबकि इससे ज्यादा कोरोना महाराष्ट्र में, वहां मौत कम हो रहा है। अब ये हालात तो हैं, और ऐसे हालात में आप देखिए कि कैसे बिहार सुधरेगा, इसका तो मालिक बस भगवान ही है, दूसरा तो कोई है नहीं, क्योंकि पूरी तरह से हाल बेहाल है। और इस वक्त हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में आपका। जी बिल्कुल, आपके पूरी टीम को हमारी तरफ से, बिहार के लोगों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ बिहार की जनता की तरफ से जी। जो आपने इतने ज्वलंत मुद्दे को इस गंभीरता से और साहसिकपूर्ण तरीके से उठाया है जी, क्योंकि बड़े बड़े चैनलों की अवकाश नहीं आज के इलेक्ट में कि वो सरकार के खिलाफ कोई आवाज लगाएंगे जी। आपने बिल्कुल जमीनी हालात की चर्चा भी की है बाबा। बताइए, लोग कह रहे हैं कि कोरोना से मौत हो रही है, लेकिन जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, सच्चाई है कि कोरोना से मौत नहीं हो रही है। कोरोना एक वायरस है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मौत का कारण कोरोना नहीं है, बल्कि सरकार और सिस्टम का फेल हो जाना है। हम सर को विस्तार करेंगे। आज इस देश के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मुख्य ये चुनाव आयुक्त के ऊपर आपराधिक मुकदमा दायर करना चाहिए। कोई ना कोई भारत का लाल इसी काम को करेगा जी, इसलिए करेगा कि वो सुनता नहीं है सीएम से संघर्ष जिससे इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन पर जो लोग बैठा है ये हत्यारा है इस देश में। इसने बिहार के चुनाव को हरी झंडी दी, लोग कहते रह गए, विपक्ष के लोग कहते रह गए, पूरे लोग कहते रह गए चुनाव टालो, पहले इसकी तैयारी करो कोरोना से बचने का। इलेक्शन कमीशन इस सारे पर नाच रहा था प्रधानमंत्री के इस देश में, और आज तो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि इसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैं मांग करता हूं देश के एक एक नागरिकों से कि आप आवाज लगाओ, चाहे वो सीबीआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्यों नहीं हो, किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों नहीं हो, मानव अधिकार के चेयरमैन क्यों नहीं हो, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन क्यों नहीं हो,
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इंस्टीट्यूशनल हेड का एक कंपटीशन के माध्यम से पाली हो, देश का सच्चा और ईमानदार व्यक्ति उत्पन्न हो जाए, ना कि चापलूसी करके। और लोकतंत्र को तो लोगों ने राजतंत्र के लिए गंदा कर दिया है। इससे देश को बचाना है तो देश के आम युवाओं को, आम लोगों को एकदम क्रांतिकारी बन करके इन सारे इंस्टीट्यूशनों के खिलाफ कहीं से भी टैरवी पर जज बनते हैं आज के देश में। अब इतिहास उठा लीजिए, अभी पटना हाईकोर्ट में तो कैसे शराबी के नाम गया है, जो पीआईएल के नाम पर कैसे वही करता है, साथ मेरे पास में है। पहली बार ये जज बन रहा है, पहली बार सारी चीजें हो रही है, मुझे डर नहीं है। अब वक्त आ गया है देश के लोगों को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन सच बोलो कम से कम। जो भी जज बन रहे हैं उसे स्टेशन से बाहर करो उनको। गुड्डू बाबा बनने के बाद, गुड्डू बाबा आपकी जो पीड़ा है ये पूरे बिहार की पीड़ा है, पूरे देश के आम आवाम की पीड़ा है, और आप उनके आवाज हैं। आज जब हम लोग खबर दिखा रहे हैं और खबर दिखाने के बाद अब मुख्यमंत्री सीएम आवास से निकलते हैं और पटना की सड़कों पर राउंड मारते हैं। गुड्डू बाबा थोड़ी देर से हो जाते हैं। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं भी अमेरिका का सिटीजन मैंने पढ़ा है, मास्टर ने कहा था चाला लवादा होने से कोई नौकरी नहीं हो जाता है। अभी एक शुभ शिक्षा देश आया है कि पूरे कोरोना में वो मॉनिटरी करेगा सुप्रीम कोर्ट। अरे हाईकोर्ट का शिक्षा शिक्षा करता है उसे शख्स क्या हो रहा है। बिल्कुल एकदम देश के लोगों के बीच में वो छूट रहा है। और रहा सवाल इतना बड़ा भारत, मैं नमस्कार मुकदमा मंगल पांडे, इतना बड़ा भारत स्वास्थ्य मंत्री मैंने 22 साल में नहीं देखा था। एक क्षण से पद्म नहीं होना चाहिए, ये जन माफिया का सरना है। मैं आवाज दे रहा हूँ गुड्डू बाबा, आखिर गुड्डू बाबा इनकी नैतिकता आखिर कहाँ चली गई। ये लोग नैतिकता की बात करते हैं और हालात ऐसे बने हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी विफलता और इनका अहंकार आज की तारीख में बिहार और देश को ले डूबा। कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं, ये सरकार का फेलियर है। मैं तो कह रहा हूँ जितने स्वास्थ्य मंत्री बिहार में बने इनकी संपत्तियों की जांच का आदेश दे दो। मैं नीतीश को नहीं कह रहा हूँ कि पदाधिकारी हो, लेकिन जितने स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तक ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेला है और किसी ने नहीं खेला है। नीतीश जी आपके पास वो फाइल होगी, मंगाइए जन माफियाओं के खिलाफ, जब कोर्ट में साइटी गठित करके उनके खिलाफ आरोप पत्र दिया कोर्ट में, तो हमारे माननीय मंत्री ने कैसे उनके लाइसेंस को जिंदा किया। कोर्ट में जब उठती है बात चीफ जस्टिस पूछते हैं तो माननीय मंत्री कोर्ट में लेकर देते हैं मुझे नहीं जानकारी थी इसकी वजह से मैंने ऐसा कर दिया था। एक क्षण ऐसे मंत्री को नहीं रहने देना चाहिए, लेकिन नैतिकता कहां रह गई है। अब लोग मर रहे हैं सरकार के फेलियर के चलते। पटना हाईकोर्ट में मुझसे पटना के बारे में 10 अस्पतालों का जायजा लेने का हित किया था, मैंने 10 जगह का रिपोर्ट दिया है, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। लोगों के साथ वो धोखा हुआ है कि सांप काटने की दवा को धनुषा अस्पताल में 48 सेंटीग्रेड पर रखा गया था, जबकि उसे 0.4 सेंटीग्रेड पर रखना है। सराने का सबसे अगर बिल्कुल हेल्थ सिस्टम फेल कर रहे, कोर्ट कहता करता थक गया बहाली करो बात, अभी तो इशारा कर रहे हैं मेरे किताब लेकर बैठा हूँ। कितने पद बिहार में सीमित है, ये सिर्फ खेल खेलता है ट्रांसफर पोस्टिंग का, संविदा का खेल खेलता है ये लोग, और हर साल एक्सटेंशन का खेल खेलता है। ये लोगों के हित की बात नहीं सोच रहे थे, इनको नहीं पता था कि पता रहते हुए जान के लोगों ने खिलवाड़ किया है। चुनाव में व्यस्त थे, चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में व्यस्त थे, किसी पार्टी में व्यस्त थे, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ ऐसा ये खतरा उत्पन्न होगा, जानते हुए भी व्यवस्था ने बिल्कुल धोखा दिया है लोगों के साथ में। लोगों के पैसे पर सरकार चलती है। आज आप तो करा रहे हैं ऑक्सीजन से क्यों भर रहे हैं, महामारी है वैश्विक मेहमान के चल रहा हूँ, बड़ा बड़ा सवाल। ऑक्सीजन नहीं दोगे गुड्डू बाबा, गुड्डू बाबा एक बड़ा सवाल ही, एक बड़ा सवाल और भी है गुड्डू बाबा, एक बड़ा सवाल और भी है कि अगर हम आप सवाल उठाते हैं तो फिर केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा आप पर हमले इन तमाम तरह के सवाल भी उठने शुरू हो जाते हैं। जी बोलिए। नहीं सवाल ये भी है कि आज की तारीख में आज के सिस्टम में अगर आप आईना दिखाएंगे, अगर सच कहेंगे, सवाल उठाएंगे, तो ये सरकार और सिस्टम आपके खिलाफ हो जाती है, आप पर केस मुकदमा शुरू हो जाता है। गुड बाबा लॉ एंड ऑर्डर प्रिंसिपल है,
सीबीआई ने लिखा है पब्लिक एक्सपीडियन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखा है सिविल लॉयर प्रो बोनो पब्लिको, इट मीन्स नो डिफरेंस की सरकार मुझे क्या करती है। और देश तब आजाद हुआ था जब यहाँ के लोगों ने शहादत दिया था, गुंडू बाबा शहादत देने को इस राज्य सबसे पहले खड़ा है। बिल्कुल गुड्डू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये थे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा, जिस तरह से ये कह रहे थे ये एक साधारण बात नहीं है। इस तरह के जो हालात हैं आज, सिर्फ ये गुड्डू बाबा की आवाज नहीं है, दरअसल ये बिहार के आम आवाम की आवाज है, बिहार के दबे कुचले गरीब गुरबा की आवाज है। ये बात और है कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, सरकार और सिस्टम जो है आज की तारीख में ऊंचा सुनने लगी है, लेकिन उन्हें पता है कि इसी बिहार की धरती पर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था और कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और सत्ता पलट गया था। लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं उस हालात को अगर देखा जाए तो यह वाकई में चिंता का विषय है। और उसके बाद फिर भी सरकार या सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज की तारीख में सच का सामना करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं इनके जो बस फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। हकीकत आज की तारीख में है कि एनएमसीएच में जाकर आप देखें कि हालात क्या है, पीएमसीएच में जाकर देखें कि हालात क्या है, आईजीएमएस में जाकर देखें कि हालात क्या है। शर्म आनी चाहिए, सोचने का विषय है कि आखिर 16 साल से यह सरकार बैठी हुई है और हम स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए, हम एनएमसीएच की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए, हम पीएमसीएच की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए और कहते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच। साहब क्या है, अभी भी वहां तकरीबन 95 लाख के इक्विपमेंट जो है खरीदे गए पड़े हुए हैं, खोला तक नहीं गया। अब बताइए लोग मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। जरा ये तस्वीर आप देखिए, बिहार में पंजीकृत डॉक्टरों की कुल संख्या 20,000 के करीब है और खाली पड़े पदों में प्राइवेट डॉक्टरों में से काउंसलिंग के जरिए भरे जाने की बात अगर हो जाती तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। तो ये पूरे तरह से कह सकते हैं कि सरकार और सिस्टम फेल है। और अब तक हालांकि ये पहला वाक्या नहीं है, कई बार जब हम लोगों ने सवाल उठाया तो विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी सरकार के लोग कहे कि नहीं बहाली होगी। खुद स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा के अंदर बयान है कि बहुत जल्द बहाली किया जाएगा और सारे पद भर दिए जाएंगे। अगर सही समय पर ये पद भर दिए गए होते तो आज ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। और ये सिर्फ बिहार के लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, बिहार से बाहर जो लोग हैं, यहां तक कि फॉरेन में जो रहने वाले एनआरआई लोग हैं, वो लोग भी चिंतित हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। विदेश की मीडिया में आज थू-थू हो रही है, फॉरेन मीडिया में हिंदुस्तान की थू-थू हो रही है, हिंदुस्तान के नुमाइंदा की थू-थू हो रही है और साथ ही साथ बिहार के जो मुखिया हैं उनकी थू-थू हो रही है। लेकिन ये सुनने वाले नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमर्जी करते हैं और दो चार जो इनके आईएएस हैं उनके साथ ये बैठेंगे और मीटिंग हो गई। अगर आम आवाम से ये बात किए होते, अगर डॉक्टर से बात किए होते, अगर वैज्ञानिक से बात किए होते, यहां के समाजशास्त्री से बात किए होते तो आज ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये अपने धुन में मग्न हैं और इसी से ये खुश हैं। दो चार लोग इन्हें कहते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है बिहार में, चारों तरफ उजाला ही उजाला है, आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सामान्य है। खैर अब जनता को तय करना है इस आंकड़ा देखने के बाद, और पूछिए आप उनसे कि क्या वाकई में कोरोना मार रहा है या आपका जो कार्य करने की जो आपकी जो शैली है और जो सिस्टम है वो मार रहा है। अगर डॉक्टर आज होते, नर्स अगर होता, पैरामेडिकल स्टाफ होते, हॉस्पिटल सही ढंग से फंक्शन कर रहा होता, वहां पर जो इक्विपमेंट तमाम है वो चल रहे होते, लैब टेक्नीशियन होते, तो शायद कोरोना इतना डैमेज नहीं करता। ठीक है वायरस है, सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन अभी जो हालात हैं इसके लिए मेरा मानना है, मैं इस आधार, ये जो आंकड़ा मैं दे रहा हूं ये कोई हमारा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं साहब, ये सभी के सभी सरकार के आंकड़े हैं और उसी आंकड़ों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि कोरोना नहीं मार रहा है यहां के लोगों को, यहां की सरकार और यहां का सिस्टम जो फेल हुआ है उससे लोग मर रहे हैं। और आपको बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस बहुत खतरनाक बीमारी है, ये मार रहा है, ये नहीं मार रहा है। सच्चाई ये है कि सिस्टम ने मारा है आपको और यहां की सरकार ने मारा है, क्योंकि ये आंकड़े सरकार के ही हैं।
एक बार सोचिए, विचार कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि इस पूरे माहौल में सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि कोरोना आपके आसपास ना आ पाए, क्योंकि व्यवस्था नहीं है और इस व्यवस्था में अगर कहीं गए तो आप कुव्यवस्था की चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।